नमस्कार दोस्तों, अगर आप एनडीए ज्वाइन करना चाहते हैं, इंडियन आर्मी में एनडीए में ऑफिसर की पोस्ट पर जाना चाहते हैं और आपको ये नहीं पता है कि क्या क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं, तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। 12वीं के बाद इंडियन आर्मी में जाने का जिसका भी सपना है तो एनडीए की परीक्षा वो दे सकता है। बस आप 12वीं कक्षा में पास होने चाहिए तो आप एनडीए के लिए योग्य हैं। इस परीक्षा को पास करने वाला कैंडिडेट डायरेक्ट ऑफिसर कैटेगरी में इंडियन आर्मी को ज्वाइन करता है। मतलब आप डायरेक्ट ऑफिसर रैंक पे जाएंगे और इंडियन आर्मी को ज्वाइन करें। पुणे स्थित एकेडमी में इसकी ट्रेनिंग होती है। अभी दोस्तों बात करते हैं स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब परीक्षा के चरण कौन कौन से हैं। किसी भी स्ट्रीम में पास आउट होना ज़रूरी है। मार्क्स के लिए कोई लिमिट नहीं है। एनडीए की परीक्षा के माध्यम से सेक्शन प्रोसेस 3 चरणों में होता है। पहले चरण में लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाता है। इस परीक्षा का आयोजन साल में 2 बार यूपीएससी करती है। पहले चरण की लिखित परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार को दूसरे चरण में एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तीसरे चरण में उपरोक्त दोनों चरणों के पास कैंडिडेट्स की फिजिकल योग्यता की जांच की जाती है। इसमें सेलेक्ट कैंडिडेट्स को नेशनल डिफेंस एकेडमी में 3 साल की ट्रेनिंग कराई जाती है। फिर यहां से 1 साल की ट्रेनिंग के लिए इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में भेजा जाता है। आर्मी के लिए इसमें आर्ट्स या साइंस की ग्रेजुएशन की डिग्री भी मिलती है। लेफ्टिनेंट की पोस्ट में ज्वाइनिंग होती है। मतलब कि दोस्तों, अगर आपने एनडीए की परीक्षा पास कर दी तो आप डायरेक्ट लेफ्टिनेंट बन जाओगे आर्मी के अंदर। अभी बात करते हैं दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की। तो 12वीं क्लास अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से की है, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अभी बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। एनडीए परीक्षा के एग्जाम में 2 पेपर की लिखित परीक्षा होती है। पहले पेपर में 300 अंकों के लिए गणित के 112 प्रश्न होते हैं। परीक्षा अवधि 2.5 घंटे की होती है। हर गलत जवाब पर 0.33 अंक की नेगेटिव मार्किंग होती है। दूसरे पेपर के कुल 600 अंकों की परीक्षा होती है। इसमें 500 सवाल इंग्लिश जीएस के होते हैं। परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे की होती है और गलत जवाब पर 0.33 नेगेटिव मार्किंग होती है। अभी दोस्तों बात करते हैं एज लिमिट की। एनडीए परीक्षा देने के लिए उम्र 16.5 से 19 साल के बीच हो। किसी भी खास कैटेगरी के लिए उम्र सीमा में कोई छूट नहीं दी गई है। सिर्फ अविवाहित पुरुष कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी क्वालिफिकेशंस और वो सभी चीज़ें जिनके थ्रू आप एनडीए में दाखिला ले सकते हो। आई होप आपको ये जानकारी काम की लगी होगी, ये आपके कुछ ना कुछ काम आई होगी। अभी अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो यार वीडियो को प्लीज़ से लाइक कर देना। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन ज़रूर कर देना। मैं आपको दोबारा मिलूंगा इसी चैनल पर किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू सून गाइस, बाय।